नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए दो शूटर्स धर्मराज और गुरमेल को थोड़ी देर में पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले दोनों आरोपियों का मेडिकल भी कराया गया। आपको बता दें, ये एक प्रोसीजर होता है कि जब भी किसी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो पहले उसका मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल कराने के बाद थोड़ी देर में कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। इसी बीच दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी के वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है, आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। तो अटैक करने के बाद जब ये भागने की कोशिश में थे उस वक्त का ये वीडियो, थोड़ी देर में दोनों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इन तस्वीरों को आप देखिए, मुंबई की ये तस्वीरें हैं और हमले के बाद जब पुलिस ने इन्हें इधर दबोचा, ये तब की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर जब मेडिकल के लिए इनको ले जाया गया, मेडिकल करवाने के बाद अब थोड़ी देर में कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। ये वो दो शूटर्स हैं, गुरमेल और धर्मराज, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि शिवा अभी भी गिरफ्त से बाहर है और उसको पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही ये मुंबई आए थे, इन्होंने रेकी की थी बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये पुलिस के हत्थे चढ़े थे। तो ये देखिए तस्वीरें, अंधेरे का फायदा उठाकर बाबा सिद्दीकी पर ये लोगों ने फायरिंग की थी। और जी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। 6 राउंड गोलियां इन्होंने चलाई, जिसमें से 2 राउंड गोली पहले लगी और फिर एक और गोली, 3 राउंड गोली जो है वो बाबा सिद्दीकी को लगती है। शूटर नंबर 1, शूटर नंबर 2 यानी कि धर्मराज और गुरमेल इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इन्हें पकड़ा जब ये भागने की फिराक में थे, घटना को अंजाम देकर फायरिंग करके। और ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से, आप देखिए पुलिस सूत्रों से जो कि इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच पूछताछ इनसे जब कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से वो यहाँ पर आए थे मुंबई में। उन्होंने रेकी की बाबा सिद्दीकी के दफ्तर से लेकर घर तक और कई अटेम्प्ट कोशिश भी की इन्होंने, लेकिन कल अंधेरे का फायदा उठाकर इन्होंने फायरिंग की। और उसके बाद जब मुंबई पुलिस ने उनको पकड़ा, जी न्यूज पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो दो शूटर्स पकड़े गए लेकिन शिवा यहाँ से भाग निकला और शिवा की तलाश लगातार की जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं अश्विनी पांडे, प्रमोद शर्मा हमारे साथ, दो रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्विनी पांडे, ये वीडियो भी अब सामने आ गया है और साफ तौर पर आप देखिए मुंबई पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन अभी भी शिवा गिरफ्त से बाहर है। क्या जानकारी, कितनी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और तीसरे की गिरफ्तारी कितनी जल्द कर लेगी मुंबई पुलिस? जी देखिए, मेडिकल जांच हो चुका है, अगले कुछ मिनटों में उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यहाँ तक तीसरे आरोपी की बात है, अभी तक उसके बारे में पुलिस के पास पुख्ता कोई जो लोकेशन उसकी नहीं लगी है, लेकिन जहाँ जहाँ पर संभावना है उन जगहों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उन जगहों पर जहाँ से उसके तार जुड़े हैं, खासतौर पे पुणे, इसके अलावा मुंबई, उज्जैन में भी उसके कुछ लोगों से संबंध की जानकारी है। ऐसे में उज्जैन पुलिस से भी संपर्क किया गया है, मतलब उससे जुड़े तमाम लोकेशंस पे हर जगह पुलिस दबिश दे रही है। क्या वो किसी ऐसी जगह पर चला गया है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में उससे जितने लोगों के तार जुड़े हैं, हर किसी से पूछताछ हो रही है, हर किसी से उसके बारे में जानकारी की जा रही है। अश्विन, हम लौटेंगे आपके पास। इसी बीच दर्शकों को बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन गैंगस्टर और उनके संगीन अपराधों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जो बैठे तो विदेश में है लेकिन ऑर्डर साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का मानते हैं और उसके एक इशारे पर ही अपराध को अंजाम दे देते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम आपको बता दें, गोल्डी बरार का सामने आ रहा है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान संभालता है। वहीं इन सब के बीच आपको बता दें, इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो अमेरिका में ट्रेस की गई है। इन सब के बीच पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दूसरे नाम की अगर हम बात कर ले तो आप देखिए ये दूसरा नाम किस तरह से, रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा है, जो कि बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। इसकी लोकेशन यूरोप ट्रेस की गई है। इस पर करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गुगा मेडी की हत्या का बड़ा आरोप लगा है। और तीसरे नाम की अगर हम बात करें तो कपिल सांगवान, इसका नाम सामने आता है, ये भी बिश्नोई गैंग का मेंबर है। यूके में बैठकर ये ऑपरेट करता है, हरियाणा दिल्ली में दहशत फैलाने का लगातार काम करता है। इस पर ही हाल ही में हरियाणा में इनेली के अध्यक्ष पूर्व विधायक नफे सिंह की हत्याकांड को अंजाम देने का बड़ा आरोप लगा था। अब आपको चौथा नाम भी बता देते हैं, अनमोल बिश्नोई, ये लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया जाता है और बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। इस पर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का बड़ा आरोप है, इसने ही करवाया था ये फायरिंग, ये जानकारी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कैसे ये पूरा नेटवर्क है, और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि अलग अलग देशों में ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। वहीं आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो शूटर्स हैं, उन्होंने कुछ महीने पहले ही सलमान के घर पर फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए, ये 3 शूटर्स जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर हमला किया,
और 6 राउंड गोलियां चली, जिसमें से 3 गोली लगती है बाबा सिद्दीकी को। शिवा फरार है पहला शूटर, लेकिन धर्मराज और गुन्नैल ये दोनों ही पुलिस के हाथे चढ़े हैं। इनसे लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने पूछताछ की। और इन तस्वीरों को आप देखिए, मेडिकल के लिए जब इनको ले जाया गया उस वक्त की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो न्यूज पर आप देख रहे हैं। जल्दी कोर्ट में इनको पेश भी किया जाएगा। एक प्रोसीजर होता है, जब भी किसी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो पहले उसका मेडिकल कराया जाता है और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट सहित कोर्ट में उसकी पेशी की जाती है। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन आरोपी को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम निकल चुकी है और ये तस्वीरें आपके सामने। शूटर नंबर 1 शिवा अभी भी फरार है, शूटर नंबर 2 धर्मराज पकड़ा गया, शूटर नंबर 3 गुरनैल बलजीत जो कि हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, बाकी के 2 शूटर्स उत्तर प्रदेश के बहराइच के बताए जा रहे हैं। तो शिवा की तलाश अभी भी जारी है, ये फरार है, लेकिन धर्मराज और गुरनैल ये दोनों पुलिस के हाथे चढ़े हैं। और अपनी पूछताछ के दौरान इन्होंने बड़े खुलासे किए हैं, किसने इनको सुपारी दी, मुंबई पुलिस को इन्होंने ये जानकारी दे दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो किस तरह से आप देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो शूटर्स ने कुछ महीने पहले ही सलमान के घर के बाहर फायरिंग की थी। आपको बता दें साल 2023 की ये घटना है। सलमान को कब कब धमकी मिली ये भी आपको तफसील से बता देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इसको धमकी दिया था, साल 2023 की बात है। सलमान खान को जब ये धमकी दी गई उसके बाद से ही गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और इसी के साथ साथ सलीम खान को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। आपको बता दें मॉर्निंग वॉक पर जब वो निकले थे तब ये धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। सलमान खान को मारने का जिक्र साल 2022 में किया गया था। और इसी के साथ साथ जब जब ऐसी धमकी मिली है तब तब मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। और आज आप देखिए एक बार फिर से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। Z News.